नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे दोस्तों, कि आत्माएं जो होती है क्या वो एक दूसरे पर भरोसा करती है। जिनको आत्मलोक के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान होगा तो वो लोग यही बोलेंगे कि हमें इसका जवाब पता है। आत्मलोक तो आत्मलोक में आत्माएं एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ बहुत ही मतलब दूसरे को हेल्पफुल होंगे, दूसरे को मदद करेंगे, हम बहुत ही खुशी से और बहुत ही समाधान से रहेंगे। इसलिए आत्माएं जो होती है वो एक दूसरे पर आराम से भरोसा कर सकती है। लेकिन ये जो बात है दोस्तों पूरी तरीके से सच नहीं है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि पृथ्वी पर सारे लोग बहुत ही अच्छे से एकदम मतलब बहुत ही बंगले में और बहुत ही खुशी से रहते हैं, ऐसे मैं आपको बोलूँ समझो, उनके पास फोर व्हीलर गाड़ी सब कुछ वगैरह है, ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ तो ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। और अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि पृथ्वी पर सब लोग एकदम गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुरी ज़िंदगी लोगों की हो गई है, तो ये भी बात पूरी तरीके से सच नहीं है। पृथ्वी पर अगर किसी की कंडीशन अच्छी हो, आर्थिक सामाजिक वगैरह, तो वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन अगर किसी की आर्थिक कंडीशन बुरी हो तो वो बहुत ही बुरी तरीके से ज़िंदगी जी सकता है। मतलब वो इंसान पर ये सारी चीज़ें निर्भर होती है दोस्तों। तो इस तरीके से है दोस्तों, वैसे ही आत्मलोक की भी बात है। आत्मलोक में भी मैं तीन मतलब चीज़ों में मैं उसको विभाजित करना चाहूँगा। एक तो निचला स्तर, मध्यम स्तर और उसके बाद दोस्तों उच्च स्तर। मतलब इन तीन जगह पे आत्माएं ज़्यादातर रहती है। तो इन तीनों चीज़ों में दोस्तों तीनों जगह पर किस तरीके से आत्मा एक दूसरे पर भरोसा करती है कि नहीं करती, इसको हम अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निम्न स्तर, मतलब एकदम जो निचला स्तर है उसके बारे में मैं आपको कहूँ तो जो लोग पृथ्वी पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म करेंगे, ऐसे जो लोगों की आत्माएँ हैं वो निचले स्तर पर वहाँ पर चली जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, आत्माएँ जो होती है वो बहुत ही बुरे स्थान पर वहाँ पर रहती है, और वहाँ पर ज़्यादातर बुरी ही आत्मा रहती है जिन्होंने बुरे कर्म किया है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो एक तो बुरे स्थान पर रहती है और उनके जो साथी वगैरह होते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं होते। तो ऐसे वक्त में दोस्तों ऐसी जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे को धोखा देंगी, एक दूसरे का विश्वासघात करेंगी, एक दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, एक दूसरे को वहाँ पर शारीरिक पीड़ा कोई भी नहीं दे सकता क्योंकि आत्मा का शरीर नहीं होता, तो मानसिक पीड़ा देगी या फिर उसको डरा कर रखने की कोशिश करेगी, ये मुझे डरनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो एक दूसरे पर ज़रा भी भरोसा ज़्यादातर नहीं करती। एकदम उनका कोई करीबी वगैरह है तो बात अलग है, लेकिन पूरे तरीके से हम कहते हैं ना कि हाँ मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, ऐसे वो ज़रा भी नहीं करते दोस्तों। दूसरा मध्यम स्तर की आत्मा, मध्यम स्तर की आत्मा में दोस्तों दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो आत्मा की जब शुरुआत होती है तब वो मध्यम स्तर की होती है, और उसके बाद जैसे जैसे आत्मा थोड़ा सा अपने आप में विकास करेगी तब डायरेक्टली वो उच्च स्तर पर नहीं जाती, वो थोड़ी से मध्यम स्तर के थोड़े से ऊँचे अवस्था में, मतलब मैं उसको भी मध्यम अवस्था ही कहूँगा, मतलब चौथा लोक और पाँचवा लोक आपको समझने के लिए कह रहा हूँ। चौथे लोक में आत्मा की शुरुआत होती है। तो ऐसी जो आत्माएँ होती है दोस्तों वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहेंगी, एक दूसरे को थोड़ा बहुत मदद करेंगे, एक दूसरे के अच्छे के बारे में भी थोड़ा बहुत वो सोचती है, लेकिन ज़्यादातर वो अपने बारे में सोचेगी। ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाएंगे, वो खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन वो पूरे तरीके से यकीन नहीं करेंगे। जैसे हम समाज में रहते हैं तो हमारे पड़ोसी हो या फिर हमारे रिलेटिव्स हो, हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे कुछ अच्छा हुआ तो, लेकिन दोस्तों हम पूरे तरीके से उन पर हाँ मैं इस पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ ऐसे हम नहीं कह सकते। वैसे ही चौथे लोक की आत्माओं की बात होती है, लेकिन अगर उसमें बहुत ही अच्छे से वो विकास करके पाँचवें लोक में चली जाए तो ऐसी जो आत्माएँ होती है वो एक दूसरे पर बहुत अच्छे से विश्वास करेगी, ऐसी जो आत्माएँ हैं वो दूसरे पर मतलब भरोसा कर सकती है, वो दूसरे के मतलब अनुभव से मतलब या फिर बहुत कुछ सीख सकती है, वो दूसरे पर विश्वास कर सकती है कि उसके लिए वो किस तरीके से कारीगर साबित हो। तो मतलब देखिए दोस्तों जो चौथा लोक में मतलब मध्यम स्तर में भी दो भागों में, जैसे चौथे लोक में अगर कोई आत्मा हो तो वो पूरे तरीके से उस पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन अगर वो धीरे धीरे विकास करेगी अपने आप में तो वो अपने साथी पर बहुत ही अच्छे से भरोसा कर सकती है। और अगर हम उच्च स्तर की आत्माओं की बात करें तो ऐसे आत्माओं ने ज़्यादातर ये कहा है दोस्तों कि ऐसी जो आत्माएं होती है उनको अपने से ज़्यादा हमारे मतलब साथी पर ज़्यादा भरोसा होता है, उसके मतलब लोक की आत्मा पर ज़्यादा भरोसा होता है। ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उच्च लोक की जो आत्मा होगी मतलब छठे या फिर सातवें लोक की, उसने अपने जीवन में सब कुछ ज़्यादातर सीखा है और अब वो मोक्ष के करीब गई है, अब वो मतलब उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, और वहाँ पर ऐसी अच्छी आत्माएँ होंगी तो वह एक दूसरे पर बहुत अच्छे से विश्वास कर सकती है। यहाँ पर मतलब ये बात निकल के आती है दोस्तों कि आत्मलोक में भी हम पूरे तरीके से नहीं कह सकते कि आत्मा एक दूसरे पर भरोसा ही करेंगी या फिर नहीं करेंगी। आप ऐसे सोचिए कि निगेटिव एक सोल मतलब दो मिनट के लिए अगर उसको उच्च श्लोक में लेकर गए तो वहाँ पर वो जाकर वो उन बड़ी आत्माओं पर वो भरोसा कर सकती है, क्योंकि उसको पता है। जैसे आपके भी जीवन में अगर एक चोर लुटेरा एक इंसान है तो वो उसके सामने कोई एक अच्छा एक प्रामाणिक इंसान आया तो वो उस पर थोड़ा बहुत भरोसा तो करता है, तो वैसे ही आत्माओं के साथ होता है। लेकिन अगर उच्च स्तर की आत्मा कुछ वक्त के लिए अगर निचले स्तर पर गई तो वो लोग झूठे हैं, ऐसे लोगों पर वो यकीन नहीं करती। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। मतलब आत्मलोक में भी जैसे हमारे मतलब सामने लोग होंगे, जैसे आत्माएं होंगी,
उस तरीके से उनका जो व्यवहार है वो बदलता जाता है। जैसे एक निचले स्तर की मतलब आत्मा अपने आप में उसमें अच्छा विकास किया, बाद में वो मध्यम स्तर की हो जाएगी, बाद में उच्च स्तर की हो जाएंगी, तो ऐसे वक्त में वो उनके साथ बहुत ही खुशी से बहुत ही समाधान से रह सकती है। तो इस तरीके से आत्मालोक में एक दूसरे का व्यवहार जो होता है आत्मालोक का, वो इस तरीके से चलता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेनुइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।